सो हेलो बच्चेस, कैसे हो? फिर सो अगर इस वीक का एक और वीडियो में आप देखोगे, आज के लिए मेरे पास काफ़ी सारे गेम प्ले ना आपके लिए, मतलब एक घंटे तक मैं आपको गेम प्ले दिखा सकता हूँ, लेकिन गेम प्ले है भाई, मूवी प्ले नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा स्टार्टिंग में आपके मुंह पे थोड़ी मुस्कान लाया जाए, तो देखना आपको पता चलेगा कि क्यों पबजी एक फुली पैक्ड गेम है मोबाइल फोन्स के लिए। माना कि और भी सारे गेम्स हैं जैसे GTA 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनमें काफ़ी फन हो सकता है, लेकिन मोबाइल पे ये एक ऐसा फुली पैक्ड गेम है ना, जिसमें एक्शन है, एडवेंचर है और मतलब थ्रिल है और फन तो हद से ज़्यादा। मतलब इसमें इतने ज़्यादा WTF और फनी मोमेंट्स होते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं। अब देखो, हमारा देश सबसे पहले, भले गेम में गलती थी तो भाई बिल्कुल बैन होना चाहिए, लेकिन यार जो भी हो, गेम बहुत कमाल था ये। अब देखिए, आपको पता चलेगा, देखो तीन बंदे बच रहे हमारे अलावा, जिनमें से एक शायद बॉट होता है, और हम तलाश में थे दो बंदों की कि दो बंदे आखिर गए कहाँ। तो हम आते हैं ट्रिपल स्टोरी को चेक करने, और बस तुम ना हंसते ही रह जाना। अब सीरियसली बताओ तो गाइस, एट द मोमेंट भाई मैं इतना ज्यादा हंस रहा था ना, मतलब फोन साइड में एक बार रख दिया, और इनको देख के मेरे को तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा ना भाई, इतनी हंसी आ रही मेरे को, मैंने अपना माइक भी ऑल पे करना भूल गया, और थोड़ी देर इनके मजे ले कि भाई मतलब वो करते हैं, और मैंने ऑल पे कर दिया। मैंने कहा भाई हम तो तुमको मारेंगे, हमें नहीं पता, पैन भी ले लिया मैंने, इनको थोड़ा डराया, पर फिर हमने सोचा बाद में छोड़ दें। ये लोग कह रहे थे भाई टीम अप भाई छोड़ दो, हमारी बाइक फंस गई। मैंने उनसे पूछा भाई कैसे फंस गई बाइक पर, इनके तो भाई यार रट लिया था इन्होंने कि भाई यार प्लीज़ मदद करो यार, हमारी मदद करो, मारना मत। पहले मैंने एक को नॉक कर दिया, जिससे कि वो मतलब दूसरा क्या कहते हैं, मतलब वो तो बच जाएगा, वो तो बाइक से निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, निकल ही नहीं पा रहे थे इन्होंने, मतलब बहुत बार ट्राई करा होगा एग्जिट करने का, पर हो नहीं पा रहे थे एग्जिट। और इसको भी मार देता ना तो भैया इनकी पूरी टीम ही खत्म हो जाती, तो इसलिए मैंने कुछ देर भाई करा, मतलब पहले तो इसके एक दो पैन छापे, जिससे कि थोड़ा खौफ बने, और मैं अब गेट इन हो गया कि देखते हैं मैं फंसता हूँ या नहीं, लेकिन मैं नहीं फंस रहा था भाई, और लेट्स सी। अब देखो ये फिर बंदा निकल जाता है और इसको रिवाइव वगैरह कर देता है, और देखना एंड में क्या होता है। अब देखो एंड जोन आ चुका था, और हम सारे मतलब एंड जोन आने वाला था, हम सारे नेड वगैरह फेंक रहे थे, स्मोक ग्रेनेड, और मेरे को इनको देख के लग रहा था कि शान पत्ती करेंगे, क्योंकि इनमें से एक बंदे ने तो गन फेंक दी थी, लेकिन एक बंदे के पास अभी भी थी। अब जरा आप नोटिस करना, सारे स्मोक फेंक रहे हैं, आपको एक बंदा फ्रैग ग्रेनेड फेंकता दिखेगा। ये देखो भाई लोंडा चालाकी कर रहा है हमारे सामने, मतलब आप है मेरे को नहीं पता। और इसलिए कहते हैं आज के टाइम में किसी पे भी ट्रस्ट करना ना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, तो इसलिए बिल्कुल संभल के, क्योंकि मेरे साथ तो हर बार टीम वाले बंदे मतलब 10 में से 9 बार मेरे को मारते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था इनके बंदों को, मतलब हमारी बिल्कुल डील हो चुकी थी, कोई किसी को नहीं मारेगा, एंड में हील फाइट करेंगे, तो हम भी बस थोड़े बहुत मजे ले रहे थे, इनको अच्छी तरह मार रहे थे, लेकिन ये बंदा भैया नेट टॉस करके जोन के बाहर हो लिया, जिससे कि दिखे भी ना किसी को, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की कैसी मतलब नज़ारा, तो इसलिए मैंने देख लिया बंदे को और फिनिश कर दिया। अब देखो इस वाले गेम आया था फैक्ट्री, और उधर से कुछ खास माल तो मिला नहीं था, हमने स्क्वाड्स को चैलेंज कर दिया था, पर कोई आया नहीं था, दूसरे कंटेनर्स नहीं होते नीचे की तरफ, वहाँ पे लैंड कर चुके थे, पर यहाँ पे एक चुचुंदर आ चुका था, जिसको कि मतलब अपनी स्क्वाड के साथ आता तो भाई क्या हो जाता है, यहाँ पे दो बंदे हैं, वेस्ट हेलमेट हमने चिल मार के लूटी, क्योंकि बंदे थे आसपास, मतलब एक ही बंदा था, तो ज्यादा डरने की बात नहीं थी। और अभी देखना मिनिमम में कुछ देर बाद फुटस्टेप्स आते हैं, आप एक बार नोटिस करना, मेरी मैम आपको कुछ फुटस्टेप्स दिख गए होंगे, और मैंने भाई चप्पा चप्पा ढूंढा, आप देख सकते हो मैं हर जगह घूम रहा था, बंदा कहीं मिल ही नहीं रहा था, और फिर मैं समझ गया भैया आखिरी जगह ऊपर ही है, सबसे टॉप पे वहीं हो सकता है बंदा, और मेरा टीममेट देखो नेड वगैरह करने का ट्राई कर रहा था, और अनसक्सेसफुल हो जाता है वो, मतलब नाकामयाब हो जाता है, और अभी मेरे को पुश करना होता है, क्योंकि मेरे पास थी S12K। और ये जो किल चोरी करा है ना मेरे टीममेट ने, भाई इसको भी लिख लेना जरा। अब देखो मैं आगे गैराज की तरफ, क्योंकि मेरे को गाड़ी पकड़नी थी। अब मैंने आपको बताया ना नीचे कंटेनर की तरफ बंदा आया था, क्योंकि आपको बीच बीच में एस्टल की आवाज़ आ गई होगी, वो यहीं से हो रही थी, मैं मस्त भाई मची थी, और सामने वाले घर में आपको बंदा दिख गया होगा, तो मैं प्रोन हुआ और स्प्रे मारा, काफ़ी हद तक कनेक्ट भी हुआ, और यार एक हेडशॉट भी लग गया था, मतलब देखो डैमेज बिल्कुल सही रहता ना तो पक्का वो बंदा मर जाता। देखो मैंने इस बोट को मार दिया, और इस बोट को देखो ये ऊपर देखा ना तुमने, फालतू में मेरा मतलब स्कोप फालतू में ऊपर की तरफ जा रहा है, और यही ग्लिच कल हैंडकैम में भी हुआ था यार, मतलब क्या ही बताऊँ, गलती लेवल सीन हो गया। अब मैंने गाड़ी उठाई और मैं पुश कर देता हूँ बंदों पर, और देखना मुझे कितना भारी पड़ सकता था ये चीज़। मैंने एक बंदे को डैमेज दिया, उसको मारने के लिए मैं हाथ तक आया, आपको भी एक ही बंदा दिख रहा होगा और मुझे भी एक ही बंदा दिख रहा था, लेकिन इनकी यार पूरी सुकैट आ जाती है और मेरी कथी फट जाती, क्योंकि मेरा टीममेट था पीछे और वो भाई किसी काम से मतलब चला गया था, उसने कहा था कि मैं जस्ट आ रहा हूँ, तो मैंने कोई उम्मीद थी नहीं मेरे को कि भाई मैं बच पाऊंगा, तो मैं जल्दी से अंदर आ गया, और वो बंदे भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे, अभी तो बंदे उतर के थे, तो मैंने सोचा नेट टॉस कर लेते हैं और फिर जैसे आएंगे तभी फेंकूंगा, पर तुम्हें पता है भाई पबजी के अपने अलग ही लेवल नशे हैं, अपने आप ही नेट गिर जाता है, और देखना वो बंदे अभी नीचे उतर चुके थे ग्राउंड पे कि भाई हम तो स्प्रे मारेंगे, तो मेरा प्लान एक तरह से नाकामयाब हो जाता है वापस से, लेकिन अभी ये बंदे वापस से गाड़ी में बैठते हैं, आपको गाड़ी दिख गई होगी वापस से, और अभी जो नेट आ रहा ना भाई, इसके लिए ना लाइक करने के लिए आप अर्जुन रेड्डी हो जाओ।
और जो बंदा नॉक हुआ ना भाई, वो सोच रहा होगा कि मैं क्यों बैक सीट पर बैठा, और जो बंदा आगे बैठा था ना वो बड़ा लकी फील कर रहा होगा, पर उसके भी भाई काफी डैमेज चला जाता। देखो इनका ये तीसरा बंदा बग्गी से आता है। और भाई साहब को मारती कार 98 पड़ती है कहीं से, मतलब थर्ड पार्टी तो भैया इंस्टेंटली होगी, सोलो या स्क्वाड, सोलो की तो खैर अलग बात है। अब देखो आप लोगों ने अभी नोटिस करा, जब इस बग्गी वाले को मारा था तो देखा ना तुमने स्कोप वापस ऊपर जा रहा था फालतू में, जबकि मैं अपनी उंगली ला रहा हूँ। मैं देखो नॉन जायरो प्लेयर हूँ, जायरोस्कोप मैं यूज नहीं करता, तो अपन भैया अपनी उंगली हिलाते हैं, हाँ उंगली से मतलब स्क्रीन पर स्वाइप करता है, तो जैसे मैं नीचे करता हूँ भैया फालतू में ऊपर जा रहा है, मतलब अलग ही लेवल ग्लिच है, सच में बता रहा हूँ भाई ग्लिच है। अब तुम्हें से बहाना क्या है फिर कुछ भी। अब देखो हमें पुश करना दोस्तों, आपको एक यूएसडी गई, जब मैंने स्कोपिंग करा तो मैं गाड़ी तो नहीं उठा था यहाँ से, क्योंकि नीचे जो बग्गी थी ना साइड पे उसमें मैंने स्मोक करने का सोचा था, पर स्मोक करने का कोई फायदा नहीं होता, और मैं तुम बेशरम हूँ, तुम्हें पता है भाई लूट तो करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास इतना एमो नहीं है, और मैंने सोचा एस्टल के एमो मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ से ये लोग एस्टल को चला रहे थे और एमो लकीली मेरे को मिल भी जाते हैं। बंदा वहाँ से कार 98 चला रहा है, पर कुछ भी भाई मूव एंड शूट के साथ, मतलब मूव एंड लूट कर रहा हूँ, मूव एंड शूट नहीं मूव एंड लूट, तो इसलिए मैं बच जाता हूँ। अब देखो हम गाड़ी लेते हैं और पुश करते हैं इन्हीं बंदों की तरफ। वहां से भाई सॉलिड डैमेज आता है, और हमारी बग्गी की भाई ये दशा बदलने वाले थे, लेकिन हम बच जाते, काफी डैमेज दे चुके थे, बिल्कुल 50% कर दिया था मेरे को, 45% कह सकते हो। जल्दी से मैंने हील करा और अब निकलते भाई हम आगे इधर बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, क्योंकि ये दो बंदे थे और हम भी दो। मैंने एक बार देखा कि कार 98 वाला बंदा यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो बंदा देखो इस तरफ से कहीं फायर कर रहा था, तो मैं रैंडमली एक नेड फेंक देता हूँ उस तरफ ही, और अब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है और मैं अपनी गलती अब यहाँ सुधार रहता हूँ, क्योंकि बंदा मेरे को फाइनल दिख चुका था, मतलब वो नेड फेंकते फेंकते। एक को मेरा टीममेट सेट कर देता है और एक को मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि अपन है भाई कंटेंट क्रिएटर, दो बंदे अगर सामने ना तो एक को तो पक्का ही मारने, दूसरे का भी किल चोरी हो सके ना, तो पूरा पूरा ट्राई करते हैं अपन लोग। अब देखो हम ये टूटी फूटी बग्गी लेके निकल लेते जोन में, और अपन है भाई देखो थोड़े इंटेलिजेंट लोग, तो हमें बढ़िया बग्गी दिखते सामने तो भाई क्यों नहीं उठाएंगे, तो वो उठाते हम जल्दी से, और हम आते हैं नीले वाले घर की तरफ, क्योंकि हमें जोन की तरफ जाना था, लेकिन जैसे यहाँ आते ना सुनो जरा, ओए भाई बंदा शायद पीछे होता है, आपको कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ आई होगी और एसकेएस की भी आपको आवाज़ आ गई होगी, तो हमने याद रखा कि उस तरफ कोई बंदा क्या बोल रहा हूँ मैं, एसकेएस चला रहा है और इन बंदों को भी सेट करना है। पर एक बंदा है टपाटप अपने किल सिक्योर करो, और भाई वो साउंड सुननी है ना तो आपको हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे, शायद 100% वॉल्यूम करनी पड़े, तो एक बार कर लेना। ये मत कहना भैया तेरा टीममेट ESP लगा रहा है फिर तू ESP लगा रहा है, प्लीज यार प्लीज। अब देखो जल्दी से हम गाड़ी लेते हैं और निकलते उस SKS वाले बंदे को ढूंढ निकले, क्योंकि वो बन रहा था कहीं पर सांप, और सांपों को मारने के लिए भैया बहुत तगड़ी रिसर्च करनी पड़ती तुम्हें पता है, तो बग्गी में बैठते हैं और मेरा टीममेट थोड़ा सा बलिदान देता है यहाँ पे। और गलती से अगर ये बंदा मेरे टीममेट को पूरा फिनिश कर देता ना तो भाई गाली सुनने वाले कम हो जाते, लेकिन कोई बात है अपने साथी को मैं रिवाइव कर देता हूँ। और हम आते हैं अपार्टमेंट साइड यूं ही, क्यों देखो मेरी मैम आपको एक ड्रॉप दिख गया होगा, यूं ही नहीं भाई ड्रॉप के चक्कर में आए थे, गाड़ी ठुकती है कोई बंदी ठुकती रहती भाई, पबजी ठुकेगी, और अब देखना देखना बस। ओ भाई अब भाई साहब जिस तरह इस बंदे ने स्प्रे मारा ना भाई, मेरे को थोड़ा सा शक होने लगा, क्योंकि मेरे वेस्ट को तो इसने जरा सा भी टच ही नहीं करा, चखा भी नहीं, सारा भैया हेलमेट पूरा पी गया बंदा, और मेरा टीममेट तो देखो पीछे बैठता था, जबकि पीछे वाले बंदे को मारते ना तो इजीली स्प्रे लगता है, लेकिन जो बग्गी में ड्राइवर होता ना उसको मार रहा है कभी कभी मुश्किल हो जाता है, पीछे से आगे से कहीं से बात करो, लेकिन देखो भाई कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें से कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मैं किसी के बारे में कुछ भी बोल दूँ भले ही तुम्हारा कुछ ना लगे वो, मतलब किसी का भी यार चाचा ताऊ फूफा कुछ भी ना लगे ना, फिर भी लोग बोलते हैं भाई तूने इसको हैकर कैसे बोला यार, तू तो बहुत गंदा आदमी है, पर कोई नहीं यार। अब देखो जल्दी से मैं बैठता हूँ गाड़ी, मेरा टीममेट मेरे को बचा लेता है, बहुत गुड वर्क मेरे टीममेट की तरफ से, तो हम सोचते हैं अब इन बंदों को कुछ ना कुछ करके सेट करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी और हैकर मेरे को लगा एक टाइम के लिए लगा, बस मुझे लगा यार मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो हम गाड़ी लेके वापस इसी तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ से हमें मरना है लेकिन फिर भी जाएंगे। और उस तरफ आपको एक डाशी दिख गई होगी, और मैं सोच रहा भाई क्या गलत जगह आ गया भाई, मैं यहाँ पे बंदे दिख ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर डर था कि कहीं से बंदा आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डाशी है तो ऑब्वियसली भाई बंदे भी हो सकते हैं। और कुछ देर बाद ऐसा ही होता है, एक और चीटर, करनी पड़ेगी। और इसके मैं स्टैट्स बताता हूँ भाई आपको, 100 मैचेस प्लेड थे, अराउंड 700 या फिर 600 खेल थे, और 50% हेडशॉट परसेंटेज, मतलब 350 या फिर 300 खेल से सारे हेडशॉट से ही करे, मतलब हद हो गई यार, मतलब हलवा बना रखा है गेम का कतई। और वो बंदा भी चीटर था, चाहो तो उसकी आईडी चेक कर लेना जिस तरह से उसने मेरे को मारा। अब मैं उतर था देखो यहाँ पे ओल्ड बेसिन में उतर था, और सामने मेरे बंदे दिखते हैं,
मैंने थोड़े से डैमेज देने का ट्राई करा, पर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल रखा क्योंकि वहाँ पे दो तीन बंदे थे और मैं भाई हेलमेट भी नहीं मिला था मेरे को और ऑटो गन भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे यूज ही ले ली और मेरे पास शॉट गन, हम दोनों ऊपर ही घूम रहे थे, यहाँ से मैंने एक कदम उठाने का ट्राई करा पर मेरा टीममेट ले जाता है। अब देखना कुछ देर बाद मेरा टीममेट कहता है नीचे बंदा उसने उसको डैमेज दिया, तो मैं नीचे कूद जाता हूँ और भाई साहब पता नहीं क्या ही कर रहा है नीचे। अब नीचे आपने देखा ना उसके टीममेट्स आ रहे थे उसको बचाने के लिए, मतलब उसका बदला लेने के लिए, तो मैंने सोचा ऊपर चलते अपने पास यूज़ ये फायदा उठाएंगे, जिस चीज़ जिस गन का जो स्ट्रॉन्ग जोन है भाई उसी स्ट्रॉन्ग जोन में से यूज़ करना काफ़ी बढ़िया रहता है। तो मैंने सोचा यहीं पर टीवी लेंगे, जैसे बंदा आएंगे बिल्कुल हल्का सा पीक लेके मार देंगे जैसे कि मैं हमेशा मारता हूं, पर ये बंदे चलाक निकलते भाई, बस हल्के हल्के फुटस्टेप्स देते पर आते नहीं है। देखो मेरी मैप में कितने स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप्स आ रहे हैं इनके, पर ये बंदे आते नहीं। मैंने सोचा इस तरफ से आएंगे दूसरी वाली बिल्डिंग में, तो मैं कूद के जाता हूं यहां पे, पर यहां पे भैया नो रिस्पॉन्स। इस बंदे ने बस हल्की झलक दिखाई और जिस बॉर्डर इसने मारा था मैंने उसका किल चुरा लिया और अब मैं निकलता हूँ नीचे, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा डैमेज दे चुका था। और बंदे ने चलाकी करना चाहिए, काफ़ी सही चलाकी थी, लेकिन भाई की हेल्थ काफ़ी लो थी, तो अगर वो हेल्थ पे नज़र डाल लेता ना तो काफ़ी सही रहता। वैसे मैं फालतू में ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैं भी बहुत करता हूँ। अब देखो इनको मैंने लूटा अच्छी तरह, M4 वगैरह उठा ली और मैं चाहता हूँ ऊपर और ज़रा नोटिस करना अगर आपको डाशी की आवाज़ आ जाए तो। गाड़ी आई शायद ही आई होगी यार, जिसके बहुत अच्छे हेडफोन्स है ना, कतई ओपी वाले, मतलब फुल वॉल्यूम पे करोगे तो शायद आ भी जाए, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सामने से डाशी आई थी और कुछ बंदे आपको सामने दिख गए होंगे और मैं वेट कर रहा था कि मैं दो तीन बंदे देख लेते और वहाँ से कार नहीं हिट पड़ती, और इसलिए मैं हल्का हल्का पीक दे रहा था, ज़्यादा नहीं दे रहा था क्योंकि आपने देखा होगा एक बंदे को अगर देखा हो तो वो कुछ देख इस तरह से रहा था कि उसके पास बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल हो सकती है, ज़्यादा लंबा नहीं स्नाइपर राइफल बोलते सीधा। अब देखो एक को मैं नॉक कर चुका था तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रश करता, तो मैं अपने टीममेट्स कहता मैंने वहाँ पे स्मोक करा तो वहाँ से जा, मैं यहाँ से जाता हूँ। मेरे टीममेट को काफी डैमेज देते हैं लोग। क्या ही हेड मारे उस बंदे के, और सेम सीन यहाँ पे था, और इसको तो भाई इतना ज्यादा डैमेज दिया, पता नहीं कैसे बच जाते भाई ये लोग। और काफ़ी इजीली मार दे इस टीम को। अब देखो इस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ा मतलब स्टोरी अभी तो नहीं डाला लेकिन एक्टिव काफ़ी रहता, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी दी है। और अब देखो मैं गाड़ी लेकर निकला था, यहाँ से मेरे पास डाशिया थी पर मैंने सोचा यूएस लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ना फिसलती नहीं, काफ़ी स्टेबल रहती है। और फिर हम आते हैं साइड में आपको ड्रॉप दिख गया स्टेडियम की तरफ, तो इसी तरफ जाते हैं और यहाँ पे आते हैं दो बंदे। दोनों बंदों को फिनिश कर दो और फिर मैं लूटता हूँ ड्रॉप आराम से, पर इसमें तो कुछ होता नहीं है, तो मैं समझ गया ये बंदा ड्रॉप लूटर था, इसका क्रेट थोड़ा ढूंढते हैं डिस्कवर करते हैं। यहाँ से मेरे को मिल जाती AWM, तो मैं AWM उठा लेता हूँ और अब यूजी को छोड़ देता हूँ। मैंने सोचा यूजी यूज करेंगे आखिरी कुछ दिन है, लेकिन फिर मैंने देखा भैया ओम इज लव, तो ओम उठानी पड़ेगी। और फिर मैं आता हूँ यहाँ पे गाड़ी एक्सचेंज करने क्योंकि अब इस गाड़ी की हेल्थ दिखती तो काफ़ी कम थी, तो मैंने सोचा ये गाड़ी लेते हैं। और इतने में ना आपको हल्का से M4 की आवाज़ आई होगी इस तरफ, मतलब सेंट्रल रोड की तरफ आई थी, तो मैंने सोचा गाड़ी लेके यहीं पर आएंगे और यहाँ दिख जाता एक बंदा। और मुझे पता था कि पीछे वाले घर में बंदा है, लेकिन मैं तो भैया इसी को टारगेट कर गया एक बारी में। मैंने सोचा डबल माइंडेड नहीं होना भाई, एक को मारेंगे भले ही नॉक हो जाए लेकिन एक चीज़ पे फोकस करते हैं, और काफ़ी सही करा मैंने, मतलब उसको नॉक भी कर दिया, लेकिन मेरा टीममेट काफ़ी ओपी लेवल वाला कवर फायर दे देता है, कोवर फायर यस। अब देखो आगे आपको स्नाइपिंग देखने को मिलेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा किल मैंने एसॉल्ट राइफल से करी नहीं है, और स्नाइपिंग के साथ आपको मज़ा आएगा। तो मैं बताऊँगा इस सबसे कल, बाय।